हेलो नमस्कार वणक्कम वेलकम टू सीबीएसई विद सुधीर। इस वीडियो में आई हैव अ 70 मार्क्स लॉन्ग टेस्ट पेपर फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन फॉर इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई क्लास 6। सो अगर आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में हैं, किसी भी केंद्रीय विद्यालय में हैं, भारत के किसी भी सिटी में, किसी भी प्रदेश में, आप इस हाफ ईयरली एग्जाम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, जिसको कि ज्यादातर मैंने ही निकाला है। एक दो क्वेश्चंस व्हाट आई हैव डन इज टू टेक इट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के पेपर बाकी स्कूलों में, बाकी केंद्रीय विद्यालय में भी कैसे बनते हैं, सो दैट यू गेट बोथ आइडियाज। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि व्हाइल आई एम काइंड ऑफ शोइंग यू द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, पेरेंट्स कैन मॉनिटर देयर चिल्ड्रन वेदर दे आर डूइंग सो, पॉज द वीडियो, राइट योर आंसर एंड देन मैच इट विद माई आंसर विच आई विल गिव एट द सेम टाइम, ताकि मैं भी आपके साथ सॉल्व करता रहूंगा, ताकि आपको भी मदद मिलेगी, यू विल नो एग्जैक्टली हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। सो दैट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर हाफ ईयरली एग्जाम पेपर। डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन आई विल डिसाइड वेदर आई वांट टू डू प्रिपेयर मोर हाफ ईयरली पेपर्स और नॉट। ओके, सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आई फाइंड 78% ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूज आवर कंटेंट डोंट इवन सब्सक्राइब टू द चैनल। बेटा फ्री है, इसके लिए कुछ पैसे नहीं लगते हैं, टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो केंद्रीय विद्यालय एनबीएस स्कूल, सीबीएसई स्कूल, हाफ ईयरली एग्जाम 24-25 फॉर क्लास 6। दिस इज फॉर 70 मार्क्स इज व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड। दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस दैट यू नीड टू बेयर इन माइंड, दैट दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, रीडिंग सेक्शन, writing and grammar section and literature section, and all questions are compulsory. I have deliberately not given a choice so that you know you get prepared for a more tricky paper. Okay, marks are indicated against each question and I want you to read the instructions before answering the questions. To pehla hoga aapka reading section jo ki hai 20 mark ka. Okay, now I want you to pause the video and read this particular passage. Okay, read this particular passage aur uske upar, uske baad main thoda aur upar kar dunga. I'm giving you 20 seconds to read the first part and then I will move up, or if I can, what I can do is I can just reduce the size so that then it is fitting into the screen. Iske baad main wapis bada kar dunga. Now you can read the entire thing on the screen. This is from a book written by K. Vijay Kumar, IPS officer, who was the person who led the expedition to, not expedition, who led the team to kill Veerappan, the elephant poacher who killed a lot of people in the Satyamangalam forest. Ye unki kitab mein se maine ye passage ko nikala hai. To unki kahani hai, unki autobiography hai, jiske bare mein likha tha. Okay. Agar aapne pad liya hai, to let's go. You can pause the video and then we will go to this. So that, now based on your reading, answer the following questions by choosing the correct option. Life in Satyamangalam was not without what? Now, इसमें आप देखेंगे तो, sorry, उसमें ऊपर क्या है? यहाँ पर लिखा है, life in Satyamangalam was a series of patrols, but not devoid of danger. Devoid का मतलब है danger के बिना नहीं था. तो इसका मतलब है क्या हुआ? तो जब हम question देखेंगे, तो you will say life in Satyamangalam was not without danger. तो आपको वो devoid शब्द का मतलब मालूम होना चाहिए. ओके, सो जस्ट बी केयरफुल. अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप सेंटेंस को दो बारी पढ़ के आप उसका मतलब निकाल सकते हैं. ओ, इसमें तो ये भी दिया है, आई थॉट इट वॉज नॉट देयर. ओके, मैं खुद ही मैं भूल जाता हूं मैं क्या लिखता हूं. विच एनिमल वॉज टू बी फाउंड इन सत्यमंगलम? एलिफेंट, टाइगर, राइनो और जिराफ. इट इज द एलिफेंट. हु हैड किल्ड पीपल इन द टू स्टेट्स? 10 मेन, एलिफेंट, wild animals or rhino. In this particular passage you are talking about the deadly tusker, which is the elephant, because elephant ke tusk hote hain, yani ki ye jo tusk hote hain isliye usko tusker bhi kehte hain. What does more troops mean in the context of the sentence? More elephants, more wild animals, more armed men ya more tension? The correct answer is, batao, I hope aapne ye likh liya hoga, is C. मैं एक्चुअली इस पे छोड़ के रख देता हूं थोड़ी देर के लिए फॉर 10 सेकंड्स, सो दैट यू कैन पॉज इट, राइट द आंसर एंड देन वी विल डू इट. ओके, ताकि इट लुक्स लाइक ए क्वेश्चन पेपर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 58 59 60 61
5. Okay, 5 seconds. Okay. All of us were on edge. What does it convey? Laughter, relaxation, tension, या anger. इसका क्या मतलब है? All of us were on edge. India Pakistan के बीच में हॉकी मैच चल रहा है या क्रिकेट मैच चल रहा है, टेंशन बहुत है. तो we will say we were on our edge. You know, कि हम सीट के बिल्कुल एज पर बैठे थे, टेंशन इतनी थी. तो इसका मतलब है इट कन्वेज टेंशन. Why did they not want to cross paths with the wild animals? जब क्रॉस पाथ्स का मतलब है कि अगर वाइल्ड एनिमल्स यहां से आ रहे हैं तो आप उनका रास्ता नहीं काटना चाहते. वेरी लिटरल मीनिंग. क्यों नहीं काटना चाहते? फॉर फियर ऑफ डेथ, बिकॉज द एलिफेंट्स वर फ्यूअर देन द मेन, बिकॉज दे हैड मोर ट्रूप्स ऑन स्टैंड बाय, बिकॉज दे वर स्लीपी. जी नहीं, ए बी सी डी में से ए करेक्ट है. रीडिंग द पैसेज वी नो वी आर टॉकिंग. अभी इसमें मैंने जानबूझकर ज्योग्राफी का थोड़ा सा डाल दिया है. Reading the passage, we know we are talking about North India, East India, West India, या South India. इसमें दो states का नाम दिया है passage में. अगर आप passage पर ध्यान दें तो इस पर दो states का नाम दिया है. किन states का नाम दिया है? मैं passage को फिर से दिखा देता हूं आपको. ये रहा passage में, केरला और तमिलनाडु. केरला और तमिलनाडु भारत के किस भाग में आता है? It comes in the southern part of India. तो इसका correct answer कौन सा होगा? D, South India. What would be the opposite of hostile? अरे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. What would be the opposite of hostile? Hostile का opposite क्या होगा? अभी hostile का मतलब क्या होता है? Hostile का मतलब होता है एक तरह की rivalry, एक तरह की शत्रुता, एक तरह की enmity. तो opposed synonym हुआ hostile का. कंबैटिव कि हम लड़ रहे हैं, वो भी सिनोनिम हुआ. फ्रेंडली, जी नहीं, एंटागोनिस्टिक. एंटागोनिस्टिक आल्सो मींस, ये शब्द शायद आपने नहीं सुना होगा, मैं जानबूझकर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि आपको एक नया वर्ड सीखने को भी मिले. मेरे टेस्ट पेपर्स ऐसे होंगे जिसमें कि आपको सीखने को भी मिलेगा. आई कैन गारंटी यू दैट. तो इसमें सही आंसर तो है फ्रेंडली. एंटागोनिस्टिक का मतलब है आई एम एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स हिम, का मतलब है कि मुझे वो पसंद नहीं है, मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं है, मैं उसका एक दुश्मन की तरह हूं. तो उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं. जैसे कोई मूवी हो, मूवी में हीरो को बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट और विलन को बोलते हैं एंटागोनिस्ट. ओके, नए वर्ड सीखने को मिल गए. अब ये एक दूसरे एग्जाम पेपर से है, तो ये पढ़ो आप. I'll give you 20 seconds to read this. Pause करके आप पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको questions दिखाता हूं, उसके बाद आप पढ़िए. Read this passage या take a screenshot and keep it on the side. चलो अभी आपको मैं questions दिखाता हूं. What was Mr. Madhavan Nambiar? Madhavan Nambiar was P.T. Usha's coach. Simple, one word. She was declared as, complete the sentence. So, aap wapis upar jaiye. She was declared as the individual champion. Okay, individual champion. Aap pura likhiye at the sub-junior championship. Okay, so she was declared kahan par? So, she was declared as the individual champion at the sub-junior championships karke pura likhiye. Where did she show her athletic prowess? She showed her athletic prowess at the Asian Games in New Delhi in 1982 mein hua tha ye. Okay. 1982 mein main 8th class mein tha. 7th ya 8th? 7th I think. In which city did she win the 4 gold medals? Seoul. Okay. She won it in Seoul in 1986. Find a synonym from the passage for shining. I think इसका होगा glittering. Okay, यानी कि जो चमकता है. Find the word which is similar to reputation. Champion, fame, recognition में कौन सा शब्द reputation के बिल्कुल करीब है? इसका सही आंसर है B, fame. अभी तीसरे passage पर चलिए. मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप इसको पढ़ सकें. ये भी एक पुराने पेपर से है. अकबर और बीरबल की कहानी है बंधु. पढ़ो, थोड़ा ऐसे ही है बट पढ़ लो. 20 seconds I'm giving you. 20,
10, 5, 4, 3, 2, 1. ओके चलें. तो इसमें क्या है, द किंग वॉन्टेड टू ऑनर हु, ऑल द लेजी पीपल. सिंपल है. टू फाइंड आउट द लेजी पीपल वॉज अ डिफिकल्ट टास्क. बीरबल सेट टू हिमसेल्फ ही वुड ऑनर ऑल द पीपल, ऑल दीज पीपल आर रियली लेजी, या नन ऑफ दीज, बिकॉज दैट इज नॉट वॉट ही सेट टू हिमसेल्फ. वॉट डिड ही से टू हिमसेल्फ, दैट ऑल दीज पीपल कैन नॉट बी रियली लेजी. दैट्स वॉट ही सेट, cannot be. यहां पर all release है. तो ज्यादा आपको ध्यान से, ये आपको क्या टेस्ट कर रहा है, इट इज बेसिकली टेस्टिंग कि आप कितना ध्यान से पढ़ लेते हैं. ऑल द पीपल स्टार्टेड रनिंग फॉर देयर लाइव्स बिकॉज द पंडाल वॉज सेट ऑन फायर, सेलिब्रेशन वॉज पोस्टपोन्ड, ऑल ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज ए. गिव द ऑपोजिट वर्ड फॉर dispersed. क्या होगा ऑपोजिट वर्ड ऑफ dispersed? Dispersed का मतलब क्या है, छितर जाना, यू नो, अलग अलग दिशाओं में जाना. Assembled होता है इकट्ठा होना, डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल. मेजेस्टी को यूज करते हैं राजा के लिए. तो करेक्ट आंसर इज असेंबल्ड ए. गिव अ सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सेम अर्थ का शब्द, फॉर रेस्पेक्ट. अफ्रेड, अफ्रेड तो होता है डरना. ऑनर और इरेक्टेड, इरेक्टेड होता है किसी चीज को खड़ा करना. तो यहां पर करेक्ट होगा बी. अभी हम आते हैं राइटिंग सेक्शन पर. तो ये 20 मार्क का रीडिंग सेक्शन खत्म हो गया. राइटिंग सेक्शन पढ़ाते हैं. यू आर नीलिमा श्रीवास्तवा, ए क्लासिक स्टूडेंट ऑफ कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल, अशोक विहार, दिल्ली. यस्टरडे यू लॉस्ट द वाटर बॉटल इन द स्कूल प्रेमिसेस. सो ये लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस है कि आपने कुछ खोया है. आपसे लॉस्ट एंड फाउंड में ये भी पूछा जा सकता है कि आपने कुछ खोया. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कुछ चीज मिली, किसी की घड़ी मिली, किसी का पेन मिला, किसी की नोटबुक या किताब मिली, तो आप उसके लिए भी नोटिस डाल सकते हैं कि मुझे मिली, जिसका है आकर यहां से कलेक्ट करके ले जाओ. ओके तो यहां पर लॉस्ट एंड फाउंड है, खोने वाली चीज. तो राइट ए नोटिस अबाउट योर लॉस्ट वाटर बॉटल टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड. तो इसमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि कब खोई, किस रंग की थी, किस चीज से बनी हुई थी, और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, उस हिसाब से आपको वो चीज लौटाई जा सकती है या आपको मिल सकती है. आप इसको लिखिए. ओके मैं आपको, मैंने जो लिखा है वो मैं बता देता हूं ताकि आप उससे बाद में कंपेयर कर सकें. ओके आप लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, इसको मैं बता देता हूं उसको बाद में, नहीं तो आप पॉज कर दीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद ही आप मेरा जो है उसको देखिए, एंड देन यू कंपेयर कि आपसे कहां पर गलती हुई है. तो यहां पर कैसे होगा, अरे ये पूरा एक लाइन में आएगा, सॉरी, ये पूरा जो है कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक विहार दिल्ली, इट विल कम इन वन सेंटेंस एंड यू कीप दिस इन द सेंटर ऑफ द पेज. सो इट शुड कम हियर इन द मिडल. ओके उसके नीचे आएगा नोटिस, वो भी उसके नीचे आएगा. उसके बाद आप ये भी लिखेंगे, ये भी उसके नीचे आएगा. तो पहले स्कूल का नाम, नोटिस, देन लॉस्ट वाटर बॉटल विच इज योर सब्जेक्ट, कि किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, लॉस्ट नोटबुक, लॉस्ट पेन, कुछ भी हो. ओके देन यहां पर आप डेट लिखेंगे. मैंने यहां पर एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि इट कुड बी 6th of September. अगर मैं आज की डेट लिख देता तो होता ये कि आप एग्जाम में भी वही लिख के आते हैं, बोलते सर ने आपने लिखा था. नो, आपकी एग्जाम वाले दिन जो डेट हो, अगर 17th of September को एग्जाम हो रहा है तो 17th September लिखिए, या अगर 23rd को हो रहा है तो 23rd September लिखिए. जब भी हो वो लिखिए. इसलिए मैंने यहां पर जानबूझ के डेट नहीं लिखा, बिकॉज मुझे मालूम है ऐसी गलतियां भी करते हैं. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट आई नीलिमा श्रीवास्तवा ऑफ क्लास 6A, ओके, बिकॉज सेक्शन भी होगा, have lost my water bottle in the school premises, yani ki school ke pure premises mein kahan pe khoya mujhe nahi malum hai, yesterday. Okay, it is a steel grey color brass bottle. To aap detail de rahe hain ki steel grey color ka hai, brass ka bottle hai, aur us par mera naam bhi likha hua hai side mein. Okay, if found, agar aapko wo cheez mile, bottle mile, kindly return. To aapko request karna hai, return it nahi bolna hai, please return, ya kindly return it to me, mere ko wapas kar do. आपको मेरा सेक्शन तो मालूम है, या आप स्कूल ऑफिस में वहां पर इंचार्ज को वहां पर आप डिपॉजिट कर सकते हो, आप उनको वो दे सकते हो वाटर बॉटल. नीलिमा श्रीवास्तवा क्लास 6A. यहां पर ऐसे लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. सही,
चलते हैं। राइट एन इमेजिनेटिव स्टोरी इन 100 वर्ड्स यूजिंग द गिवन हिंट्स, राइट द गिव द स्टोरी अ सूटेबल टाइटल एंड ऑल्सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी। नाउ आप ये देखिए, सॉरी, ये है हिंट्स। इस हिंट्स पर आपको 100 शब्दों की एक कहानी लिखनी है। ओके, ये पूरे हिंट्स हैं। ये भी एक पुराने पेपर में आया था, ये पूरे हिंट्स हैं और ये काफी प्रसिद्ध फेबल है। मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन चैलेंज रहेगा कि आप 100 वर्ड में लिखें। 100 के 102 105 तक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 100 से कम ना हो तो बेहतर रहेगा। ये नहीं कि आप 80 वर्ड का कहानी लिख के आए। तो इसकी जो कहानी लिखी है, जो मैंने लिखी है, वो ये है। टाइटल दिया है द रियल पॉट ऑफ गोल्ड। ओके, असलियत में पॉट ऑफ गोल्ड कौन सा था? An old farmer who was on his deathbed called his three lazy sons to his bedside. I have hidden a pot of gold in the field, but I have forgotten where. Okay, ab sabhi hints ka istemal karenge. He said, to find it, you must dig up the entire field. After the farmer passed away, jab unki maut ho gayi, the sons dug every inch of the field, but found no gold. Unko sona nahi mila. They were disappointed. Unko kafi nirasha hui. But since they had taken the effort, but chunki unhone itni mehnat ki thi, pura मिट्टी को बाहर निकाला था, यू नो दे हैड डग अप, सो पूरा सॉइल एक तरह से लूज हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि चलो बीज ही बो दो। बीज बो के उन्होंने वहां पर कृषि भी की। 3 महीने पहले उससे उनको काफी अच्छी फसल मिली। उसके बाद जब उन्होंने फसल कटाई की और उसको मार्केट में जाके बेचा, उससे उनको काफी पैसे मिले। एंड तब उनको एहसास हुआ दैट देयर हार्ड वर्क हैड लेड टू द रियल पॉट ऑफ गोल्ड विच इज वेल्थ थ्रू एफर्ट। कि मेहनत करने से, इससे पहले वो क्या थे, they were lazy, वो आलसी थे, लेकिन मेहनत करने का उनको फल मिला। तो moral of the story क्या है, hard work leads to rewards beyond what you initially see। कि उनको पहले सिर्फ आसानी से एक सोने के पॉट ऑफ गोल्ड ही चाहिए था, का घड़ा चाहिए, सोने का घड़ा चाहिए था, लेकिन उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ी और मेहनत से उनको और भी ज्यादा पैसे मिले। ये हुआ असली सोने का घड़ा। अब ग्रामर के 15 मार्क करते हैं। 15 मार्क राइटिंग के हो गए, 15 मार्क ग्रामर के। द स्मेल ऑफ दी स्वीट्स डैश एक्सीलेंट, ये जो मिठाई है इसकी जो खुशबू आ रही है ये लाजवाब है, राइट? नाउ आप देखेंगे स्वीट्स है तो आप सीधा जाके आर लिख देंगे, आपको अंडा मिलेगा। ओके, यहां पर सब्जेक्ट है स्मेल, तो स्मेल का होगा इस। द स्मेल इज स्वीट, स्वीट्स इज नॉट द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज द स्मेल, ध्यान रखिएगा। आई डैश टू द मार्केट यस्टरडे, क्या आप गो लिखेंगे या वेंट लिखेंगे? कि मैं मार्केट कल गया, गया का होगा वेंट। आई गो टू द मार्केट एवरीडे होता, अगर यस्टरडे के बजाय एवरीडे होता तब गो होता, तब आप वेंट नहीं लिखते। लेकिन ये चूंकि कल की बात है, यस्टरडे की बात है, इसलिए इट विल बी इन द पास्ट टेंस। द गार्डनर डैश द प्लांट्स, वॉटर द प्लांट्स या वॉटर्स, गार्डनर क्या है, सिंगुलर है, तो होगा क्या, वॉटर्स। द सोल्जर्स डैश इन द ग्राउंड, मार्च पास्ट करते हैं, कहां करते हैं, ग्राउंड में करते हैं, तो सोल्जर्स क्या है, प्लूरल, सो ये हो गया मार्च। यू मेक वेरी डैश मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू, लेकिन यहां वेरी है तो यहां पर होगा फ्यू। अगर होता ये पूरा ही नहीं होता, ये पूरा ही डैश होता, देन यू कुड हैव इवन रिटन ए फ्यू मिस्टेक्स, यू मेक ए फ्यू मिस्टेक्स इन मैथ्स, तब आप फ्यू भी लिख सकते थे, अ फ्यू, दोनों ही ठीक होते। ओके, द थिएटर इज डैश क्राउडेड देन यूजुअल, कि नॉर्मली से ये ज्यादा क्राउडेड है, सो इट इज मोर क्राउडेड देन यूजुअल। आई डू नॉट वॉन्ट डैश सी द मूवी, ये हो गया प्रिपोजिशन का क्वेश्चन। आई डू नॉट वॉन्ट क्या होगा, टू सी द मूवी। अभी यहां पे करते हैं, इन चारों का आपको सफिक्स लगाना है, इधर ए एन सी ई या ई एन सी ई, तो इसमें आपका क्या टेस्टिंग हो रहा है, स्पेलिंग का टेस्टिंग हो रहा है। असिस्ट में क्या आएगा, ये आएगा या ये आएगा, असिस्टेंस, ए आएगा। साइलेंट का क्या होगा, ए एन सी ई होगा, स्पेलिंग क्या होगा, साइलेंस का, साइलेंस, ई एन सी ई। रेजिस्ट का क्या होगा, रेजिस्ट टेंस। पेशेंट का क्या होगा, पे, इसमें
ईएनसीई आएगा। तो किसमें एएनसी आएगा, किसमें ईएनसी आएगा, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसको रीअरेंज कीजिए, या आप कीजिए, मैं आपको 20 सेकेंड देता हूं, आप जल्दी से इसको रीअरेंज कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। ये सब करने में मजा आता होगा। जल्दी से कीजिए, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। फिफ्टीन, टेन, फाइव, जीरो। चलें, तो पहले का आंसर है ये है आंसर, आप मैच कीजिए। एक्सरसाइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी, मैंने कुछ जगह पे फुल स्टॉप नहीं डाला, उसका आप मेरे को माफ कर दीजिए। पीकॉक इज अ ब्यूटिफुल बर्ड, रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, एंड विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट। तो अभी तक कितने मार्क्स मिले हैं, 50 में से काउंट कर लो। अभी हम आते हैं लिटरेचर पर। ओके, ये हो गया पैसेज, ये पैसेज पढ़ो, द अनलाइकली फ्रेंड में से गजराज और बंटी की कहानी। ओके, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द माउट फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। ओके, पढ़ लिया। स्टेबल इज अ प्लेस फॉर द डॉग टू स्टे, ट्रू और फॉल्स बताओ। स्टेबल में कौन रहता है, कुत्ता रहता है? जी नहीं, घोड़ा रहता है। तो ये हो गया फॉल्स। व्हाट डस He not mind the dog mean? He kept the dog in his mind. He did not have a problem with the dog's presence. He paid no attention to the dog. In tino mein se kaun sa theek hai? Iska correct answer hai is B. Crumbs are pieces of what? Crumbs kya hote hain? Crumbs in this particular case are pieces of food. Maut is a person who looks after the elephant. Ye sahi hai ya galat hai? Ye sahi hai. Seem to like the company का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? Seem to like the company, boredom, enmity, friendship, कि उनकी दोस्ती हो गई थी, उनको एक दूसरे की कंपनी पसंद थी। Read the following extract। अब ये Raven and the Crow, Raven and the Fox के बीच का ये I think ये तीसरा stanza है, उसके बारे में पढ़िए। पढ़ लिया? The morsel is a reference to a piece of food. True or false? It is true. Jo raven ke muh mein tha, usko wo chahiye tha. The fox had asked the raven to. Kya kaha tha? Usne kaha tha ki beta, tum gao. The fox had called the raven a. Ye aapka test karega aapka ye, because ye sab words pichle stanza mein hain. To आपको कितना याद है उसके बारे में टेस्ट करेगा। मैंने जानबूझकर यहां पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं। द फॉक्स एंड द रैवन लिव इन द वुड्स। दिस स्टैंजा प्रूव्स दैट रैवन वाज एक्चुअली क्या था? बेवकूफ। सो इसके करेक्ट आंसर इज सिंग हैंडसम वुड्स फुलिश। अब आते हैं 2 मार्क क्वेश्चंस पर, 10 मार्क के। और इस पे तो पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ही मैं आंसर दिखाऊंगा। Why did Ramanatha not look after his land? कि उसने अपने भूमि की देखभाल क्यों नहीं की? पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए और उसके बाद कंपेयर कीजिए। आपका आंसर ये में ये सब होना चाहिए। Ramanatha did not look after his land that his father had left him because he had a funny idea. ये funny idea is important, that a magic potion could turn any object into gold. ये डिटेल जरूरी है। And he spent all his time trying to learn about this potion. तो उसने पूरा समय इस पोषण की जानकारी इकट्ठा करने में ही लगा दिया। दूसरा प्रश्न, व्हाट डज द थीफ इन रामा टू द रेस्क्यू विश वुड हैपन? रामा टू द रेस्क्यू में जो चोर है, जो उनके घर में घुसाया है, वो क्या सोचता है कि क्या होना चाहिए? सोचो, आंसर लिखो और उसके बाद कंपेयर इट विद माय आंसर। द थीफ इन रामा टू द रेस्क्यू ओवर हियर्स The couple talking about the name they would give to their child, जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, and wishes the husband and wife will stop talking their silly game and talk about their money instead, कि पैसा कहाँ रखा है, and reveal where they have kept it, नहीं तो सीधा सो जाएं। तो आपको ये पूरा डिटेल देना पड़ेगा, तभी आपको 2 मार्क मिलेंगे। ओके, ये दोनों लिखेंगे, और just fall asleep,
और दे शुड टॉक अबाउट देयर मनी एंड रिवील वेयर दे हैव केप्ट द मनी, ओके। और तीसरा कि ये अपना ये बंद कर दे। तो ये तीनों चीजों के बारे में ही विशेष, तो ये तीनों चीजों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। हाउ डिड द माउथ एंड द फार्मर रियलाइज दैट द एलिफेंट एंड द डॉग वर मिसिंग ईच अदर, उनको कैसे पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। Both the elephant and the dog had not eaten their food. दोनों ने खाना नहीं खाया था and उसको छुआ भी नहीं था जब से उन दोनों को बिछड़ गए थे, since the time they were separated from each other. The farmer recalled the happy look on Bunty's face. Bunty is the name of the dog. When he was sitting on Gajraj, which is the name of the elephant's back, and realized that the two animals were missing each other. Okay? How is neem useful to the farmers? ये मैंने पढ़ाते हुए भी बताया। How is neem useful to the farmers? ये आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि ये चैप्टर भी शायद आपके हाफ ईयरली में होगा, इसलिए मैंने इसको इसमें यहां पर इंक्लूड किया। तो आपको ये पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये मैंने नोट्स में भी डाले हैं। तो अगर आप लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, मॉस्किटो ब्रीडिंग पैडी फील्ड्स में, टर्माइट्स में, स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स, व्हेन ग्रेन्स आर मिक्सिंग नीम कैन सेव फ्रॉम इंसेक्ट, ये सारे डिटेल्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये आपको 3 मार्क के क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्रैंडफादर टेल मैरियो, ओके, दिस इज फ्रॉम द चेयर, अबाउट द चेयर व्हाइल गिविंग इट टू हिम, वो क्या कहते हैं। सो द ग्रैंडफादर टेल्स मैरियो दैट इट इज अ वेरी स्पेशल चेयर दैट ही इज गिविंग टू हिम। ही टेल्स हिम दैट सिंस इट इज इनविजिबल इट इज रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट। सी, दूसरी बात है, ये पूरा डायरेक्ट स्पीच में है कहानी में, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होगा, तो इसमें टेंस का ध्यान रखिएगा। आप में से कई लोग टेंस में बहुत गड़बड़ी करते हैं, आपके कमेंट से ही मुझे पता चल जाता है, राइट। सो द बट इफ मैरियो मैनेज टू सिट और टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, द मैजिक वुड वर्क एंड ही वुड बी एबल टू टेल हु हिज रियल फ्रेंड्स वर। तो आपको टेंस पर इस पर ज्यादा ध्यान देना है, जहां पर भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेंस पर ध्यान दीजिए। आपके ग्रामर वगैरह की मैं अलग क्लासेस लूंगा, ओके, एक बार ये पूरा लिटरेचर का खत्म हो जाए, उसके बाद ग्रामर की क्लासेस अलग से लूंगा, ताकि आपका पूरा बेस फाउंडेशन पूरी तरह से बन जाए, ओके। सो विद दिस वी कम टू द एंड। अभी मेरे को बताओ कि कितने मार्क्स मिले 70 में से, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि कितने मार्क्स मिले, तैयारी हुई या नहीं। एंड डिपेंडिंग एज आई सेड ऑन हाउ मेनी पीपल वॉच दिस वीडियो, आपका एंगेजमेंट कैसा रहेगा, आपका शेयर करने का रेट कितना रहेगा, ऑन दैट बेसिस आई विल डू मोर papers for social science and science also. Okay, tata, bye bye, thank you very much, taiyari karte rahiye, namaskar.